चुकी हूँ शावर और मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि अभी मैड आने वाली है और कपड़े मैंने सारे निकाल दिए हैं धोने के लिए, और जो भी कर्टन वगैरह थे वो भी निकाल दिए और बहुत सारे कपड़े हो गए, क्योंकि वैसे भी वो वीक में एक बार आ रहे हैं तो भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैंने सर्दियों में बोला है कि उनको दो बार आना पड़ेगा, क्योंकि गर्म कपड़े भी होते हैं, डेली रूटीन के होते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वन वीक तक तो चलता ही नहीं है कि वन वीक तक वेट करें, तो मैंने उनको बोला है। खैर वो अभी आने वाले हैं और संडे के दिन वो 10 बजे आते हैं, बस अभी वो आएंगे, मशीन लगा देंगे और जो भी सफाई वो कर लेंगे। मैं नीचे जा रही हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो चलिए नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और जो भी आज का रूटीन रहता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आपको मैंने बोला था कि मेरी हाउस हेल्प आने वाली कपड़े धुलवाने हैं, लेकिन मेरा पचका हो गया, मतलब कि कपड़े मुझे धोने पड़ रहे हैं। हाउस हेल्प का फ़ोन आया था, उसको फीवर आ रहा है तो आज नहीं आएगी, तो मेरा संडे तो गया। सॉरी इस शोर के लिए, बाहर का जो ट्रैफिक का शोर है उसके लिए सॉरी। तो मेरा संडे तो गया, आज का पूरा आधा दिन तो मेरा कपड़ों में जाने वाला, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं, तो वो जब भी आएंगी तब तक तो कपड़े और हो जाएंगे, मुझे नहीं पता अब 2-3 दिन में कब आएंगी वो। तो मैंने कहा चलो संडे है, थोड़े बहुत कपड़े वॉश कर लेती हूँ, सर्दियाँ भी आ गई, तो मैंने लगा रखी है मशीन, वॉशिंग मशीन, अब उसका राउंड हो गया, मैं निकालने जा रही हूँ और मार्केट भी जाना है मुझे, तो देखती हूँ कितने बजे फ्री होती हूँ, क्योंकि जो सोचा था वो तो उल्टा हो गया। खैर ब्रेकफास्ट कर लिया है, पोहे खाए थे मैंने, पोहे बहुत अच्छे टेस्टी बने थे, और अब भी जल्दी से मैं अपने कपड़े जो 2 राउंड हो चुके हैं निकाल लेती हूँ, दूसरे डाल देती हूँ। कर्टन वगैरह आज सारे उतारे थे मैंने, कर्टन चेंज किए थे, कुशन कवर चेंज किए थे, और हाँ मेरे सोफ़ा कवर आ गए हैं, जब मैंने आपको बोला था ना सोफ़ा कवर आने वाले हैं, तभी अभी फ़ोन आया था, तो सोफ़ा कवर आ गए हैं और कुशन कवर भी आने वाले हैं, तो जो जैसे ही मैं सेट करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कैसा लग रहा है उसका लुक। तो अब जल्दी से जाती हूँ, पहले कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 11:30 हो रहे हैं, तो मेरे को बहुत टाइम हो जाएगा मार्केट भी जाना, तो चलिए पहले जल्दी से कपड़े फ्री कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और ये है ऊपर का रूम, अभी ये सब सेट करना है मुझे, और ये जो कपड़े पड़े हैं इनको भी सेटल करना है, अलमारी में लगाना है, और अभी मैं वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल लेती हूँ, वो भी आपको दिखा। ये कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं तो इनको मैं जल्दी से निकालती हूँ, और बाकी इन कपड़ों को भी धोना है तो मैं डाल देती हूँ, मिलती हूँ आपसे। उसके बाद मैं शाम को चली गई थी मार्केट, और मैं अपनी डॉटर के साथ, और यहाँ पे हम आ गए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि डॉटर का खाने का मन था, तो मैंने उसको ये टिक्की मंगवा के दी थी जो कि अच्छी बनी थी। और उसके बाद हम चले गए थे टेलर के पास, तो मुझे क्योंकि ये मेरी यूनिफॉर्म है इसको स्टिच करवाना, थोड़ा ऑल्टर करवाना था, यहाँ आ गए थे। उसके बाद आइसक्रीम खाई थी क्योंकि मन कर रहा था काफ़ी दिन के बाद, और ये घर पे मेरा एक ऑर्डर आया था जो बेटी ने शूट किया था, क्योंकि मैं तो थी नहीं, और मतलब जो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाती तो उसने ये किया था। मैंने अपने स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे, मतलब एक सीरम मंगवाया था और एक मेरी जो क्रीम है एंटी ब्लेमिश वाली वो मंगवाई थी, क्योंकि मैंने पहले यूज़ की थी, पर्पल से मंगवाई थी, गुड वाइब्स की है, तो इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने वापस से मंगवाई है, ख़त्म हो गई थी, और उसके साथ एक छोटी सी क्रीम मुझे एज ए गिफ्ट और मिली है, तो वही उसी चीज़ की यहाँ पर अनबॉक्सिंग हो रही है। और सीरम जो है विटामिन बी और विटामिन सी का है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा, और सीरम लगाना भी चाहिए, हमारी स्किन केयर ज़रूरी होती, तो ये बस वहीं उसी का अनबॉक्सिंग वीडियो है। ये एक और मेरा ऑर्डर आया था, यानी कि मैंने कुशन कवर मंगवाए थे ऑनलाइन, तो वो आ चुके हैं, तो उसी की अनबॉक्सिंग की है, ये भी मेरी डॉटर ने की, क्योंकि मैं तो ऑफिस में थी, तो मैंने उसको बोला हुआ जब भी कोई पार्सल आए तो उसकी अनबॉक्सिंग बना लेना चाहिए, मतलब वैसे भी उसका एक वीडियो शूट होना भी चाहिए, क्योंकि कई बार कोई डिफेक्टिव आ जाता है तो हमको रिटर्न करना होता है, तो वो वीडियो मांगते हैं, तो बस ये आया था और ये अच्छा लगा मुझे, कलर इस बार ब्लैक मंगवाए थे मैंने। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चावल और चने की दाल की, जिसको हम बोलते हैं कबूली, तो वो बना रही हूँ, और बहुत टेस्टी बनती है, और काफ़ी दिन के बाद बना रही थी ये, क्योंकि इसमें चने की दाल पड़ती है और थोड़ी ये स्पाइसी बनती है, लेकिन मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई थी, हल्की बनाई थी ताकि बच्चे भी खा लें, और बहुत टेस्टी बनी थी, और टमाटर वगैरह डाले थे, थोड़ा गरम मसाला इसमें पड़ता है। तो उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट डे का हो गया था, जहाँ मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस। सुबह के टाइम मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा। और ये है मेरी फ्रेंड्स की शादी का, मैंने आपको बताया था मैं मेरी फ्रेंड की शादी है, तो उसकी शादी में गई थी, तो शादी का वीडियो है जो मैंने शूट किया था, 2 दिन, एक दिन गई थी मैं हल्दी वाले दिन और एक दिन गई थी शादी वाले दिन, दोनों दिन इन्वाइट किया था, तो यहाँ पर भी काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मेरे जो पहले वाले ऑफिस की जो कलीग्स वगैरह थे वो मिल गए थे, सबसे मिलना हुआ बहुत अच्छे से, अच्छा लगा, मतलब काफ़ी टाइम के बाद मिलना हो रहा था हमारा। और ये मेरी फ्रेंड है जिसकी मैरिज हो रही है और जा रही है, ये बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्रिटी लग रही थी, और अच्छा लगा, जो भी इनकी थीम थी, इनकी एंट्रेंस वाली अच्छी लगी, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट की, मैंने कहा चलो मुझे अपने ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि वो भी मेरा एक काम है, जो भी मेरी लाइफ के पार्ट रहते हैं, जो भी मैं करती हूँ वो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ शादी में हम गए थे
थे और मेरे जितने भी मेरी जो लास्ट जॉब थी वहाँ पे जो भी नए मेरे कलीग थे जो मेरे साथ काम करते थे सबसे मिलना हुआ सब बहुत टाइम के बाद और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और पूरा ही स्टाफ आया था हमारे उस ऑफिस का और मैं भी आई थी वहाँ। कुछ लोगों ने छोड़ दिया है लेकिन फिर भी उनको भी क्योंकि हम सब लोग कनेक्टेड थे तो उनको भी इनविटेशन गया था तो वो लोग भी आए थे और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ तो आप लोग देखिए और और यहाँ हो गया नेक्स्ट डे और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहे जो कि बहुत जल्दी बन जाते हैं इजी। तो बस मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट करके। तो फ्रेंड्स तो आज है 25 तारीख और आज मैंने ली है ऑफिस से छुट्टी। छुट्टी लेनी पड़ गई है क्योंकि गेस्ट आए हैं बाहर से, ज़रूरी था, घर का कुछ काम है इम्पोर्टेंट, क्या है वो सब आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी बज रहे हैं 2 और मुझे मशीन भी लगानी थी तो कपड़े भी धोए हैं, ऑलमोस्ट धुल चुके हैं कपड़े, लेकिन अभी मुझे जाना है उधर मतलब मेरी जेठानी के घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो मैं वहाँ जाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और आज पूरे इस ब्लॉग को मुझे एडिट भी करना है और कल संडे है तो कल आपको ये देना भी है, अगर पूरा एडिट हो गया तो कल आपको दे दूँगी मैं। और मैंने सुबह से आपसे बात नहीं की थी, ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था तो मैंने अब ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी 2 बज रहे हैं और बस मैं अभी जा रही हूँ, मुझे वहाँ बुला रहे हैं तो मैं बाद में मिलती हूँ आपसे आके जल्दी से और जो भी रहेगा आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, यहाँ का रूम सेट कर दिया है मैंने, एक बार चद्दर हटा दी है क्योंकि वो आने वाले हैं अभी, कवर मैंने आए नहीं है, मैंने रिटर्न में डाल दिए थे। तो बस जल्दी से मैं निकल रही हूँ क्योंकि वहाँ सब मुझे बुला रहे हैं। यहाँ का रूम मैंने सेट कर दिया है और उसके बाद मैं पहुँच गई थी अपनी जेठानी घर। तो यहाँ पर हो रही थी जो भी वो रिचुअल होते हैं उसकी सगन की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर इन्होंने बस जो भी रिचुअल था सगन 2 जना था वो दे दिया। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट मॉर्निंग का, क्योंकि रात को बहुत थक गए थे उसके बाद मैंने कुछ सूट नहीं किया था। यहाँ पे पी रही हूँ अपनी चाय, पहले गर्म पानी और यहाँ पे पी रही हूँ अपनी चाय। और आज उठी इतना लेट थी क्योंकि नींद नहीं खुली थी, कल का दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड था, पूरा दिन आने जाने में लग गया था, बहुत इधर कभी इधर कैफ लेफ्ट राइट, तो बहुत थकान हो गई थी। तो रात को सोते सोते 12 बज गए थे, सुबह उठी हूँ तो नींद मेरी खुली है 9:30 बजे और यहाँ कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है संडे और आज का दिन इतना वो लेज़ी गया है, आज मैंने दिन में वीडियो नहीं शूट किया ना व्लॉग शूट किया क्योंकि कल बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और कल का दिन भी बहुत ज़्यादा बिजी था। और आज सुबह से बादल हो रहे हैं और बस पता ही नहीं चला कब 2 बज गए 3 बज गए और मैंने सोचा मैंने आज व्लॉग भी एडिट करना था तो मैंने अभी तक नहीं किया, सॉरी। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, रेडी हो चुकी हूँ तो मैं मार्केट से आके फिर उस व्लॉग को एडिट करूँगी और कल मंडे को आपको ये व्लॉग मिल जाएगा, मतलब जो भी वीक का छोटा छोटा मैंने शूट किया था। और अभी जा रही हूँ मार्केट, मौसम बहुत अच्छा हो रहा, पूरे दिन से बादल हो रहे हैं इसलिए पूरा दिन भी ऐसा लेजी गया है, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, एक दो शॉर्ट्स जो मैंने थे वो अपलोड कर दिए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, ठीक है, थोड़ा सा काम है, जल्दी से आती हूँ, आके मिलती हूँ, ब्लॉग को पूरा एडिट करती हूँ ताकि आपको कल मिल जाए। तो जल्दी से मार्केट जाके आती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और उसके बाद निकल गई थी मैं मार्केट के लिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा शॉपिंग भी करनी थी, कुछ सामान भी लेने थे और अपनी जो पैंट थी ऑफिस वाली उसको भी मेरे को थोड़ा ऑल्टर करवाना था। यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे कॉम लेना था मुझे, लिपस्टिक ली मैंने, कॉम लिया, बहुत ज़्यादा रस हो रहा था लेकिन बस जल्दी से लेके यहाँ से निकल गए क्योंकि हल्की हल्की बारिश आने लग गई थी तो अगर तेज़ आ जाती तो फिर दिक्कत हो जाती। फिर उसके बाद हम जूस पीने चले गए थे तो यहाँ पर हमने जूस पिया और थोड़ी देर के लिए हम जो फिटिंग करवाने के लिए जो पैंट देनी थी उसके लिए हम निकल गए थे क्योंकि
ऑलरेडी लेट हो रही थी और बारिश भी हो रही थी और संडे था तो संडे को ज़्यादा देर रहते नहीं है, मोस्टली शॉप तो बंद रहती है। फिर हम यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे हमको जो चाहिए था वो मिला नहीं तो हम वापस निकल गए, क्योंकि हमको अमूल कूल की बोतल चाहिए थी वो यहाँ नहीं मिली, फिर हमने दूसरी जगह से ली थी। और बस फिर ये सब परचेजिंग करके हम आ गए थे घर पर। घर पर आके मैंने बनाई थी दाल बाटी, क्योंकि आज मौसम पूरे दिन से बहुत अच्छा हो रहा था, आज मेरा मन कर रहा था तो दाल बाटी बनाते। और आज मैंने, और मैं तो इसी में बाटी बनाती हूँ, आपको पहले भी बताया था, जो कि अप्पे बनाते हैं उसी में बाटी बना देती हूँ, अच्छी बनती है। और दाल बन चुकी है, दाल बहुत अच्छी बनी, मिक्स वाली दाल बनाई है। और यहाँ पे मैं अपना डिनर कर रही हूँ, दाल बाटी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, यम्मी बनी थी। हाँ जी, तो मैंने व्लॉग को एडिट कर दिया है और बस एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब बहुत नींद आ रही है, थकान हो रही है और सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि ऑफिस जाना है। और इन कपड़ों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ये धुले हुए कपड़े हैं, मुझे अलमारी में लगाने हैं क्योंकि मैंने आज अभी यहाँ पे सोफे पे रख दिए हैं, तो सुबह इनको सेट कर दूँगी। और अब मुझे नींद आ रही है, व्लॉग को मैंने एडिट कर दिया है, अभी मैं शेड्यूल कर दूँगी, अभी थंबनेल भी बनाना है, तो जो भी है सब कुछ करूँगी, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो कल आपको ये दोपहर तक मिल जाएगा व्लॉग, तो बस मिलते हैं नए व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी इतनी मेहनत करते हैं व्लॉग को एडिट करना बनाना बहुत कुछ ऐसा रहता है, तो थोड़ा सा आपका लाइक और कमेंट मिलता है तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, बी हेल्दी बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।